अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फिट फाट होंगे। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आज हम अपने हब में बनाएंगे चिकन बारबेक्यू राइस। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, क्योंकि चिकन को मैरिनेट करना होता है थोड़ा आधा घंटा हमें पहले रखना होता है। तो सबसे पहले चिकन मैरिनेट करते हैं, और सेकेंडली हम चलते हैं चावलों के प्रोसेस की तरफ और वेजिटेबल्स के प्रोसेस की तरफ। चिकन को मैरिनेशन इसलिए लाजमी पहले करते हैं क्योंकि ताकि थोड़े से टेस्ट इसके अंदर जाए मसालों का, और साथ ही थोड़ी टेंडर भी हो जाए। उसके लिए सबसे पहले स्पाइसेस में मेरे पास 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, ये 3 टेबल स्पून तिक्का मसाला है, ये 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और ये मेरे पास 1/4 टीस्पून सूख मिर्ची का पाउडर है। दही लिया है मैंने 3 से 4 टेबल स्पून विस्क किया हुआ। सिरका लेंगे हसबे ज़रूरत लेंगे। बारबेक्यू सॉस 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये मैंने एक ब्रश थी जिसको मैंने धो के वॉश करके इस तरह क्रॉस में काट लिया है। इस तरह क्रॉस में काटने का इसका सबसे मेन मकसद ये होता है कि इसके अंदर तक मसाले जाएं और ये जल्दी गले। ये देखें इतने डीप कट्स लगे हुए हैं कि मसाले अंदर तक भी जाएंगे और ये जल्दी पक भी जाएगा। तो चलें सबसे पहले मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। ये अपने मसाले अपने दही में शामिल कर देंगे, साथ ही इसमें मैं अपना 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दूंगा। तकरीबन 1 टेबल स्पून में इसमें सिरका डालूंगा। सिरका डालना इसलिए थोड़ा लाजमी है कि मैंने थोड़ी सिरका डालने का मकसद ये है कि ये चिकन को टेंडर करेगा और इसे जल्दी पकने में मदद भी देगा। साथ में मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल दूंगा बारबेक्यू सॉस। ये इसमें गई बारबेक्यू सॉस। अगर आपके पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पेपरिका पाउडर ले सकते हैं। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर भी अवेल नहीं है तो रेड मिर्च ले लें सख्त वाली, और उसमें लेमन और केचप डाल लें। ये मिक्सर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको अपने चिकन पर लगा देते हैं। ये थोड़ा सा इसमें मैं आधा लीमून छोड़ लूँगा क्योंकि सिरका भी मैंने डाला हुआ है, तो ये ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा इन छोड़ूंगा, ये टेस्ट भी देगा और थोड़ी बहुत खटास भी देगा इसमें, और ये जल्दी गलाएगा भी। अब मैं इसमें ये मसाला डाल देता हूँ। एक साइड पे डाल के और इसे अच्छी तरह हैंड वॉश करके लगा लेना है। अपनी इसी तरह थोड़ा सा दूसरी साइड भी डाल लेंगे। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया है क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत था एक और रेसिपी के लिए भी। अब चिकन को अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे, इसके डीप कट्स के अंदर तक इसका मसाला जाना चाहिए, और अच्छी तरह इसको दोनों साइडों से मैरिनेट कर लेंगे। अब इसको कम से कम 30 से 45 मिनट हमने मैरिनेट करके रखना है, क्योंकि अगर आप इससे कम टाइम देंगे तो ये ना तो ज़्यादा टेंडर होगा तो ना इसके अंदर मसालों का टेस्ट डेवलप होगा। तो लिहाजा 30 से 35 मिनट या 45 मिनट इसे कम से कम आपने मैरिनेट करके रखना है। तो चलते हैं आप चावलों के प्रोसेस की तरफ। ये चावल हैं, चावल मैंने 1.5 कप लिए हैं। ये मेरे कायनात स्टीम राइस हैं, अच्छे वाले चावल हैं जिनको मैंने तकरीबन 1.25 घंटा पहले थोड़े से नीम गर्म पानी में भिगो दिया था। तो ये बाकी चावलों से थोड़े डिफरेंट होते हैं बारबेक्यू राइस वाले, चिकन बारबेक्यू राइस। तो इनको जो साथ साथ चीज़ें डलती हैं वो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले चावल आपने बॉयल कर लेते हैं, होते बॉयल ही हैं लेकिन एक अलग तरीके से, वो मैं साथ साथ आपको बताता हूँ। एक बर्तन लेंगे, तो चलिए चावल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में ये मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के ले लिए। अब इसमें ये 1 टेबल स्पून के लगभग ही लहसुन है, ये इसमें डाल देते हैं। लहसुन को हमें ब्राउन नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा सौते करना है, इसकी खुशबू निकालनी है। लहसुन हमारा सोते हो गया, अब हम इसमें जो मैरिनेशन तैयार की थी 1 टेबल स्पून वो डाल देंगे। अब 1 से 2 मिनट इसको भी तकरीबन लो फ्लेम पे बुनाई कर लेंगे। मैंने आपको बताया था ये थोड़े डिफरेंट होते हैं बारबेक्यू वाले, क्योंकि बिल्कुल फीके हमने नहीं लेने होते, इनमें ग्रेवी वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो ये थोड़ी बहुत इसमें मैरिनेशन वाला भी डाल देते हैं। तो ऑयल तो हमारा वैसे ऑलमोस्ट आ ही गया, 1 मिनट इसे और भून लेंगे। मसाले मेरे अच्छी तरह से भून गए, खुशबुएं की खतरनाक आ रही हैं,
क्योंकि बारबेक्यू सॉस भी थी और मसाला भी था तिक्के वाला। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप लहसुन डाल के कोई भी बिरयानी मसाला पुलाव वगैरह मसाला डाल के तो एक दो मिनट इसको भून सकते हैं। ये मेरे पास एक गिलास या डेढ़ कप चावल थे, इसमें मैं तकरीबन दो गिलास पानी डाल दूँगा। ये चला गया मेरा दूसरा गिलास भी। चावलों को मैंने तकरीबन आधा पौना घंटा पहले नीम गर्म पानी में भिगोया हुआ था, तो पानी उस नस्बत से थोड़ा कम लेंगे, पूरे दो गिलास नहीं लेंगे या तीन कप नहीं लेंगे, उसे थोड़ा सा क्वांटिटी में कम लेंगे, यानी पौने दो गिलास या पौने तीन कप। तो बाकी आप जो क्वांटिटी मसालों की है या चावलों की आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब इस पानी को बॉयल होने तक का वेट कर लेते हैं। पानी हमारा बॉयल हो गया है, अब इसमें हम अपने चावल डाल देते हैं। चावल डाल लिए, अब इनको अच्छी तरह हिला लेते हैं। ज़्यादा नहीं हिलाना चावल, मैंने ज़्यादा नहीं हिलाना, आपने चावल पहले के भिगोए हुए होंगे, ये टूट जाएंगे क्योंकि ये सॉफ्ट हुए हैं। अब इनका पानी खुश्क होने तक इनको पका लेंगे। फ्लेम आपने नीचे हाई रखनी है, जिस स्पीड पे आपने पानी बॉयल किया है डेफिनेटली वो हाई होगी। तो जब आपने चावल डालिए उसी स्पीड पे आपने चावलों को बॉयल करना है, यानी हाई फ्लेम पे इन्हें बॉयल कर लेना है जब तक इनका पानी खुश्क ना हो जाए। तो डेफिनेटली अगर बारबेक्यू राइस हैं तो उनमें हमारे पास सब्जियां भी जानी हैं। सो सब्जियों की बात कर लेते हैं और चलते हैं सब्जियों के स्टेप की तरफ। चावल हमारे बॉयल तो हो रहे हैं साथ साथ, लेकिन हमने इनको इस तरह इस डायरेक्शन में एक दो बार दरमियान में हिला लेना है ताकि चावल बिल्कुल जुड़े ना रहें और नीचे भी ना लगें। और माशाल्लाह से आप देख लें चावलों की लेंथ, आप खुद ही देख सकते हैं कि चावल अभी दम लगा नहीं है लेकिन फिर भी इसकी लेंथ कितनी है, चावल खिला भी कितना है। यही रीज़न होती है कि इनको थोड़ी देर पहले गर्म पानी में भिगो दें और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको तरीका बताया है इसी तरह आप बनाएं, चावल इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो इनका पानी खुश्क होने के बाद आपसे मिलते हैं। चावलों का पानी भी मोस्टली हमारा खुश्क हो गया है और देख लें आप चावलों की लेंथ भी देख लें। तो चलिए आप इनको कवर करके दम पे पका लेते हैं। अब कवर करके तकरीबन 12 से 13 मिनट चावलों को दम पे रख देंगे और मिलते हैं दम के बाद। चावलों को तकरीबन 12 से 13 मिनट मैंने दम दे लिया है, तो अब मैं आपको चावल उठा के दिखा देता हूँ इनकी क्या सिचुएशन है। मैं इनको पूरा इनका दम खोल नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ कि ये देखें चावल एक एक दाना है और साथ चावलों की आप लेंथ भी देख लें कि चावल हमारे कितने हमारे खिले हैं। तो चलिए अब अपने चिकन को जो है उसका बारबेक्यू कर लेते हैं। उन चावलों को थोड़ा इसी तरह रहने देते हैं थोड़ी देर। उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाल दिए, अब थोड़ा सा ऑयल गर्म होते ही इसमें मैं अपना चिकन डाल दूँगा। चिकन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, अब इसको लो फ्लेम पे दोनों साइड से पका लेंगे। बहुत ही ज़्यादा लो नहीं रखनी, लेकिन तकरीबन मीडियम के लगभग सबसे पहले इसे मीडियम पे पकाना है ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर रिलीज होगा दही का और चिकन का अपना, उसमें तो वैसे चिकन गलेगा ही, लेकिन हमने थोड़ी मीडियम रखनी है ताकि इसके अंदर सालन वगैरह ना बने इसका। तो चिकन को मैंने मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए इसका पानी मोस्टली ड्राई कर लिया है। तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर देता हूँ दूसरी साइड पर। ये देखें चिकन का माशाल्लाह से कलर भी अच्छा आ रहा है, पक भी रहा है चिकन और कलर भी अच्छा आ रहा है। अब जो इसका मॉइस्चर रहता है इसको भी मैं मीडियम फ्लेम पर ड्राई कर लूँगा और फिर देन इसे 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लूँगा। देख लें कलर इसका विदाउट कलर, मैंने कोई फूड कलर भी नहीं यूज़ किया था, आपके सामने ही था। तो आप इसको ये मॉइस्चर ड्राई करते हैं और बाकी लो फ्लेम पर इसे तकरीबन दोनों साइड से डन कर लेंगे। अगर बारबेक्यू चावल है तो ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें सब्ज़ियाँ ना जाएँ। सब्जियाँ भी मैंने ली हैं, तो इसमें सब्जियाँ आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लाइक मैंने ली है ये 1 कप के लगभग जूलियन टाइप कटी हुई शिमला मिर्च, ये मैंने खीरे लिए हैं ये भी तकरीबन 1 कप के लगभग हैं। ये एज अ पिकल काम करेंगे आपके राइस में जब इनमें विनेगर साथ और ऑयल लगेगा, तो इनमें थोड़ी बहुत सॉरनेस भी डेवलप होगी जिससे ये आपके एज अ पिकल काम करेंगे। ये 1 कप के लगभग मेरे पास जूलियन टाइप कटी हुई गाजर है और ये मेरे पास बंद गोभी है बारीक कटी हुई, और ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून चॉप्ड हुआ हुआ, ये मेरे पास है 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ गार्लिक जो इन सब्जियों को सौते करने में यूज़ होगा। तो बाकी इनमें जो मसाले चाहिए वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। चिकन भी मेरा एक साइड पे पक रहा है, तो चलिए सब्जियों को भी साथ साथ फ्राई कर लेते हैं और इसमें जो मसाले जाएंगे स्पाइसेस जाएंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा।
तकरीबन 4 से 5 मिनट इसे दूसरी साइड से भी पकते हुए हो गए मीडियम फ्लेम पे। अब ये जो इसके अंदर आपको ये बबल टाइप ग्रेवी नज़र आ रही है, ये हम इससे निकाल लेंगे। इसका पर्पस मैं आपको बताऊंगा और आप इसकी साइड भी चेंज कर लेते हैं और ये ग्रेवी मैं निकाल लेता हूँ किसी बर्तन में। ग्रेवी मैंने निकाल ली है, ग्रेवी इसकी मैंने निकाल ली है। वह मैंने क्यों निकाली है इसका मकसद मैं आपको बताता हूँ। अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेता हूँ। ग्रेवी निकालने का मकसद भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगा। तो आप ऐसा है कि आप इस चिकन को इसका कलर आने तक दोनों साइड से कुक कर लेंगे और इसका कलर आने तक के बाद मिलता हूँ आपसे। उलट पलट करके वहरा करके चिकन का कलर हमारा आ गया है लो फ्लेम पे और चिकन भी हमारा बिल्कुल टेंडर हो चुका है, गल चुका है। अब हम इस चिकन को निकाल लेते हैं बर्तन में। अब हम इसी फ्राई पैन में फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, नीचे बिल्कुल ना होने के बराबर। इसमें अब थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल मैंने डाल दिया है, अब इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेता हूँ और इसमें लहसुन डाल दूंगा अपना। लहसुन मैंने अपना डाल दिया है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट सौते कर लेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, जस्ट इसका टेस्ट थोड़ा सा खुशबू लाना है इस ऑयल में। आप कहेंगे गंदा काम है, कोई गंदा काम नहीं है। ये रीज़न सबसे मेन ये है कि ये जो हमारा मसाला है इसमें जिसमें मैंने चिकन बनाया है वो इस ऑयल में इन्फ्यूज़ होगा और सब्ज़ी को टेस्ट भी देगा। तो 1 से 2 मिनट इसे सौते कर लेते हैं। 1 से 2 मिनट इसे हो गए। सबसे पहले मैं इसमें अपनी गाजरें ऐड करूँगा, जस्ट बिकॉज गाजरें जो है थोड़ी सख्त होती हैं, नरम होने में थोड़ा टाइम लेती हैं। गाजर डालकर इस पैन पर आप बेशक फ्लेम थोड़ी हाई कर लें, क्योंकि अब ये जो है हमारा पैन जलेगा नहीं और मसाले जलेंगे नहीं जो साथ उसके लगे हुए। अब जैसे जैसे ये पैन थोड़ा थोड़ा हीट होगा, ऑयल उन मसालों के साथ थोड़ा टेस्ट अपना बनाएगा, तो ये मसालों की टेस्ट इन्फ्यूज़ होगी तो सब्ज़ी में भी इसकी टेस्ट आ जाएगी। अब इनको 2 से 3 मिनट गाजर को भी भून लेते हैं थोड़ा नरम होने तक। 2 से 3 मिनट हो गए, गाजर भी नरम हो गई हैं। अब मैं इसमें अपनी शिमला मिर्ची ऐड कर देता हूँ। सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, लाइक इसमें बॉयल हुए मटर भी डाल सकते हैं, साथ स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेल थी मैं डाल रहा हूँ, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो आप चाहें वो ले सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट इन शिमला मिर्चों को भी फ्राई कर लेंगे और इनको थोड़ा सा नरम कर लेंगे। सब्ज़ी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं होता, जस्ट थोड़ा बहुत नरम ही करना होता है इन बारबेक्यू राइस में या इस तरह की डिशेस में। 2 से 3 मिनट मैंने शिमला मिर्ची को भी फ्राई कर लिया है। अब इसमें अपनी कुकम्बर ऐड कर देता हूँ। अब इस पैन पर मैं तकरीबन इसमें 1 टेबलस्पून के लगभग सिरका डाल दूंगा। साथ ही 1/2 टेबलस्पून क्रश की हुई रेड पेपर। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। सिरका डालने के साथ ही आपने पहले से बिल्कुल ज़रा सी फ्लेम हाई कर देनी है, क्योंकि ये सब्ज़ी पानी में छोड़ दें। अब इसमें मैं अपनी बंद गोभी ऐड कर दूँगा। बंद गोभी ऐड कर दी है, अब मैं इसको मिक्स कर दूँगा। अब आ गई बारी इस ग्रेवी की। जो थोड़ी सी मैंने ग्रेवी निकाली थी वो रीज़न यही था कि ये मैंने इसमें डालनी है सब्ज़ियों में, ताकि जो चिकन का टेस्ट है ना वो इन सब्ज़ियों में भी जाए और जो टेस्ट है ना फ्लेवर इसका वो इनमें भी जाए। तो ये जो है बची हुई ग्रेवी या निकाली हुई ग्रेवी, और ये जो निकाली हुई ग्रेवी है ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ग्रेवी मैंने डाल दी है, अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस भी डाल दूंगा साथ ही। ये 1 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस, माशाल्लाह से बारबेक्यू सॉस ने 4 चांद लगा दिए इन सब्ज़ियों में, खुशबू ख़तरनाक किस्म की आ रही है। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं उतार लूँगा। बाकी मैंने कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं इसमें डाले, क्योंकि ये जो हमारी ग्रेवी थी इसमें भी काफ़ी थे मसाले, और ये जो बारबी की सॉस है ये इनफ है। तो अब इनको सब्जियों को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इसमें मैंने नमक वगैरह भी नहीं डाला, क्योंकि सब्ज़ियों का पानी जो है सब्ज़ियाँ छोड़ देती हैं, और नमक ग्रेवी में ऑब्वियसली था और बारबी की सॉस में भी था, तो मैंने इसमें नमक नहीं यूज़ किया, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें। तो इसे आप एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
अब बारी आती है हमारी असेंबलिंग की, तो चावलों का दम खोल लेते हैं। ये देख लें एक एक चावल खिला खिला है, देख लें कितने शाइनी भी हैं। तो अब इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। सबसे पहले अपने चावलों की लेयर लगा लेंगे। एक बार मैं आपको चावलों को क्लोज से दिखा सकता हूँ या दिखा देता हूँ, ये देख लें चावलों का टेक्सचर। अब इस पे अपनी प्रिपेयर वेजिटेबल्स की लेयर लगा लेते हैं। चिकन के पीसेस भी मैंने लगा दिए। ये मेरे पास सॉस है जिसमें मैंने थोड़ी सी बारबेक्यू सॉस डाली है, मेयोनीज डाली है, सिरका डाला है और थोड़ा सा लेमन डाल के इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे इसे गार्निश कर देंगे। चिकन बारबेक्यू राइस और बारबेक्यू राइस प्लेटर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलें। साथ ही सब्सक्राइब भी करना मत भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो और न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह।